बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज मैं विज़िट करूँगा आप लोगों को लाहौर रेलवे स्टेशन का, और वहाँ की कुछ हिस्ट्री आपसे शेयर करूँगा। लाहौर रेलवे स्टेशन सिर्फ ट्रेनों के स्टॉप के लिए ही नहीं, बल्कि तारीख में अपनी एक ख़ास अहमियत रखता है। अठारह सौ सत्तावन की जंग आज़ादी के बाद इस रेलवे स्टेशन को बनाने का फैसला किया गया, और फरवरी 1859 में लॉर्ड जॉन लोन ने इसका संगे बुनियाद रखा। जंगी आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों का यह पहला बाकायदा मनसूबा था। बरतानवी माहिर तमीरात वेलम नेमडम के तैयार करदा नक्शे पर तमीराती काम की जिम्मेदारी ठेकेदार मियां मोहम्मद सुल्तान चुगतई को सौंपी गई, जिन्होंने 5 लाख रुपए की लागत से ये किला नुमा इमारत 1 साल में मुकम्मल कर दी। यूँ जनूबी एशिया में बरतानिया हुकूमत ने रेल सर्विस का आगाज किया। इस इमारत का नक्शा बनाते वक्त मुसाफरों के साथ साथ माल बरदार की ज़रूरियात के अलावा ख़ास हालात में जंगी और दिफाई ज़रूरियात को भी मद्देनज़र रखा गया। स्टेशन की इमारत इस कदर मजबूत बनाई गई है कि तोप के गोले भी इस पर असर नहीं कर सकते थे। दस अप्रैल 1862 को पहली ट्रेन मुसाफरों को लेकर अमृतसर गई। एक रिकॉर्ड के मुताबिक इस वक्त 24 घंटों के दौरान ट्रेनों की यहां से गुजरने की तादाद 75 थी। ये रेलवे स्टेशन बरसगीर के बड़े रेलवे स्टेशन में से एक है, जबकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेशन है, जिसमें बयक्त वक्त 11 ट्रेनें 11 प्लेटफार्म पर खड़ी की जा सकती हैं। लाहौर रेलवे स्टेशन के हर प्लेटफार्म पर नमाज की अदायगी के लिए जगह मुख्तस की गई है, जहां पर रेलवे मुलाजमीन और मुसाफिर नमाज अदा करते हैं। रेलवे स्टेशन की इमारत पर मुतअद्दिद मीनार बनाए गए हैं। इस किले नुमा इमारत की दोनों तरफ दो बड़े बड़े ब्रिज हैं, जैसा कि पुराने दौर में हुआ करते थे, जिन पर खड़े होकर दुश्मन के फौजों पर गोलियां या तीर बरसाए जाते थे। स्टेशन की छत पर एन वस्त में थोड़े थोड़े फासले पर दो मीनार तमीर किए गए हैं। दोनों मीनारों के चारों जानेब कलाक नस्ब किए गए हैं। प्लेटफार्म नंबर 4 और 5 के दरमियान वाकई बलाई मंजिल पर वाकई रेलवे कंट्रोल रूम है, जहां से स्टेशन पर मौजूद तमाम सिग्नल को कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल रूम का तमाम निज़ाम इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटराइज है। अंग्रेज़ों ने हमें ट्रेन का निज़ाम तो दे दिया, मगर इसको काबिल अमल रखना हमारी ज़िम्मेदारी है।